बुलेट ने दे दिया बीच रास्ते में, धोखा बेचारी बंद होगी। देखो कितने पहने पहने ले रहा, एक बार के मैं लपका जाऊंगा। ये बैठी सामने डॉग अर्जेंटिनो की फीमेल, और गाइस इसने पीस दे रखे भाई। रेड किंग पावरफुल है या फिर रॉक पावरफुल है, आज भाई दोनों का कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। सामने एक पिटबुल का डॉग घूम रहा, ओ भाई हमारे पास ही आ गया, पागल वागल तो नहीं हो रहा हूँ। और गाइस रेड किंग के पीछे डॉग लग गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉग चैनल। और गाइस हमेशा की तरह पीछे से पप्पीज चिल्लाने लग रहे, चुप हो जाओ, वीडियो के टाइम पे क्यों चिल्लाओ तुम। तो गाइस अभी ना खुला छोड़ दिया, वरना भाई ऐसे ही चौं चौं करते रहते। अब भाई रोक्सी को और गाइस रोक को, इन दोनों को परेशान करने वाले। छोटे पैकेट को देखो, छोटा पैकेट भी लग गया। अरे तेरी मम्मी ना आया, यो भाई बिना बात में लग जा। तो गाइस अब एक बार इन्हें सभी को बाहर ले गया था, ये रहा हमारा रोकू, कोको भी आ गई, कोको मोटो आजा, कोको पे बिचारी पे चला भी नहीं जाता। तो गाइस अब एक बार इन्हें सभी को अंदर कर दो, फिर भाई एक दोस्त के पास जाऊंगा, उसका भाई कैनल है, चल का भाई दिखाता हूँ कौन कौन से डॉग है। तो गाइस बहुत दिन हो गए किसी कैनल पर घूमे हुए, आज चल का भाई डॉग्स दिखाता हूँ। तो गाइस हमारी बुलेट ने दे दिया बीच रास्ते में धोखा, बिचारी बंद होगी। अरे रहने दो, ना चलो इसे भाई मिस्त्री के लेके जाना पड़ेगा। और गाइस लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ ऐसा, नई बुलेट वैसे है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब घर से निकले थे बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बट भाई जैसे ही बुलेट खराब हुई तब से धूप ही धूप है, ये रेस देती हो जाएगी बंद होगी। देख लो भाई अभी काम करने पड़े, बुलेट में धक्का मार रहा गजब बेइज्जती है, बट भाई ये नहीं समझ आ रहा हुआ क्या इसमें, ये तो नहीं थी बेचारी। मेरी हालत देख लो कैसी होगी पसीने में, धक्का मार मार का बुलेट भाई, तो भाई साहब आराम से बैठा। थोड़ी देर में गाँव में से दोस्त आने लग रहा, उसे बुलाया, वो भाई इसमें पैर वैर लगा के मिस्त्री तक लेके जागा, थोड़ी देर के लिए इसे छामा कर दिया खड़ा, वरना भाई हालत खराब होगी थी। पसीने देख लो कैसा, अरे घर से अच्छे से बिल्कुल पालिश वालिश मार के एकदम चक्का चक्कर का लेकर आता, बट भाई रस्ते में देख लो मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए घर होगी थी चालू। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा, एक बार भाई मेरे से गलती से इसमें इंजेक्शन गिर गया था, मैं इसके अंदर से पेट्रोल निकाल लू था, इसके अंदर इंजेक्शन गिर गया था, वो इंजेक्शन मैंने अभी तक इसके अंदर से निकलवाया नहीं, मिस्त्री ये कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई ये तो दिक्कत होगी। अरे वाह होगी होगी होगी, वो बेटे को होगी, अरे दिल सा टूट रहा बेचारी, रेस पकड़ तो बंद हो गया, रेस नहीं है कोई दिक्कत। अरे भाई साहब पैर टूट जाएगा, अरे रहने दे, जब नहीं हो रही रहने दे। अरे वाह होगी होगी होगी, ए बंद होगी, 1 2 3 होगी बंद। अरे अपने आप होने लग रही थी। लो भाई फिर से होगी चल लो 1, अरे इस बार तो 1 पे होगी बंद। अरे रहने दे, क्यों जोर लगा रहा मिस्त्री के लेके चलेंगे, ए होगी बंद, पैर टूट जाएगा, जो एक बार भी बैक मार दी ना वहां जाकर पड़ेगा तेरा खत्म। शिवम थोड़ा बहुत यार मैकेनिक का काम सीखना पड़ेगा, इमरजेंसी में काम तो आ जाएगा, लगा दूंगा तो जाज मिस्त्री का। थैंक यू सो मच ब्रो, हमारी कुछ हेल्प कर दो, हम एक घंटे से यहाँ परेशान हो रहे। सबर करो, नहीं भाई वीडियो में तो डलेगी, अपने ये भी तो दिखाने चाह भी एंड द सीन्स। बात तो सही है। तो भाई सब ये भी ट्राई करके देख रहा है एक दो बार, वैसा भाई स्टार्ट तो हो जा, अरे बंद हो जा फिर, बंद हो जाएगी थोड़ी देर में, अरे हुई नहीं तू पेट पे चली गई, अरे हवा चली गई दिख गया, थोड़ी देर से नहीं रख लो बेचारी, थोड़ी देर के लिए स्टार्ट होगी थी, आस बन गई थी कि हाँ ठीक होगी, बट भाई दोबारा से बंद होगी, मिस्त्री के लेकर जाना पड़ेगा। अब भाई पीछे से पैर लगा रही, मेरा तो लात मारना दियो तुम। जैसा तैसा पैर लगा के मिस्त्री के पास आए थे, बट भाई मिस्त्री ने तो मना कर दी, कह रहे बुलेट का मिस्त्री अलग है, अब भाई कहीं और लेकर जानी पड़ेगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तीसरे मिस्त्री के पास आए, यहाँ पे देखते हैं भाई वो है क्या कुछ समाधान। तो फाइनली अपनी बुलेट ठीक, हाँ भाई कैसा लग रहा बुलेट, ठीक होगी, मजा आ गया, इतनी खुशी तो जब भी नहीं हुई थी जब आई थी। नहीं नहीं तो गाइस अभी रास्ते में एक बार रुके थे बारिश की वजह से, और गाइस देखी थी आज तो कैसे कैसे जाऊंगे चैनल पे, अभी बारिश में चल रहे जो होगा देखी जागी, बैठो डॉक्टर साहब, अरे तू बैठ, यहाँ पे देख लो रोड बिल्कुल क्लियर है, थोड़ी सी भी बारिश नहीं आ रही, और गाइस पीछे देखा ही होगा कितनी तेज बारिश आ रही थी, तो और भी कैडी बारिश आ रही, रोक ले रोक ले, पुराने फंस गए बात कर रही, तो बरसा यहाँ से पीछे बिल्कुल धूप निकल रही, और गाइस यहाँ से आगे देख लो हमारे बिल्कुल सामने कितनी तेज बारिश आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ की रुकी बारिश, बारिश के बिल्कुल साथ साथ करेंगे, मतलब जहाँ तक बारिश रुक रही वहां तक चल रही, अगर तेज होगी फिर रोक लेंगे, आज तो भाई हमारे साथ बारिश भी खेल खेल रही, देखना भाई कैसा चल रहे बारिश के साथ साथ, यहाँ पे कुछ नहीं है, और गाइस सामने देख लो कितनी तेज बारिश आ रही है, बस यहीं पर रोक ले सीमा पे, और जो वापिस आ गई बारिश घूम फिर गए, देखना भाई आगे को जान लग रही बारिश, और गाइस ये वाला एक्सपीरियंस तो लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहा, मतलब बारिश के साथ साथ चलना, रोक लग गए फिर बारिश आ गई, देखा आगे बारिश है, जिस जगह पर जाना था वहाँ पर तो भाई जा नहीं पाए क्योंकि भाई मौसम खराब हो रहा है वहाँ पे ज्यादा, अब भाई रस्ते में एक दोस्त के पास हो रहे, यहाँ पे भाई 2-3 लोग है दिखाता हूँ, गाइस ये रहा पिटबुल का मेल, और गाइस इसकी आंख देखो कैसी डरावनी सी राक्षसी, एक काम कर दे दोस्त इसका शिवम का बुड़का भरवा दे, क्या बोला तूने, अरे नहीं इसका इसका इसका, और गाइस दांत देखो कितने पहने पहने ले रहा, एक बार के मैं लपका जाऊंगा खत्म। तो गाइस ये बैठी सामने डॉग अर्जेंटिनो की फीमेल, और गाइस इसने पप्पीज दे रखे भाई, भाई शांत रहो।
चलिए बाहर को भाई ठीक है हम नीचे जा रहे तुम तो मजा कुवा दोगे। नहीं भाई नहीं कोई नहीं देख देख लिए गुड बाय। और गाइस घर से लिखे थे वहाँ तो गए नहीं, वहाँ पे भाई ज्यादा बारिश आ रही है, आस पास घूम के फिर भाई घर पर चलेंगे। भाई आ गया फाइनली घर पे, और गाइस घर आते हमारे सब्सक्राइबर आ रहे थे, इस तरीके आज की फिर से छुट्टी मार दी। बस भाई पता नहीं कब तक मेरा चैनल बनकर रेडी होगा। तो गाइस अब एक बार कुछ खा पी लो, सुबह से भाई ऐसे ही घूम रहा भूखा प्यासा, 4 बजे के शाम के पीछे से भी चिल्लाने लगे पप्पी। उन्हें बाहर निकालता हूँ सबसे पहले, तो पहले ना खिलाता हूँ कुछ, वरना भाई मुझे नहीं खान देने के। A few inches later, तो गाइस अभी खा पी लिया, हाँ भाई चलता हूँ रोकू लेकर, सुबह से भाई ऐसे ही भटक रहा था। और गाइस ये बैठी हमारी जूली, जूली चला घूमी करण, जूली को भाई कल को लेकर जाऊंगा क्योंकि भाई आज सारा रास्ता खराब हो रहा। अरे मुझे लगा मेरा पैर पकड़ेगी, उलट पात लगाते देखो भाई कैसा करने लगा। लू कह रहा इस वाली बजाऊंगा, रोकू कौन सी बजागा, अरे अभी इस वाली पे आ गया, एक बार इस वाली बजावे, एक बार इस वाली बजावे, शायद इसका इस वाली बजाने का मन है। हाँ इस वाली बजागा, बैठ गया भाग के देखना भाई मेरे से भी पहले बैठ गया। और गाइस रोकू बाइक पर लेगा तो गए, बट भाई ये नहीं समझ आ रहा कहाँ बजावे क्योंकि भाई सारे के सारे खेत गिल्ले हो रहे, बारिश आई थी सुबह, फिर भाई अभी गिल्ला हो जाएगा। और गाइस बाइक पर बैठ गए, हमें भी गिल्ला करता गाइस, भाई कहीं और लेकर चलता हूँ। रोकू भट्टे पे लेकर आ गया क्योंकि भाई यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मिल सके। रोकू अपना उलिया ना खराब कर लिए, ये तो भाई अभी से पैर पिटल लगा। थोड़ी बहुत देर में रेड किंग को भी पहले कहूंगा, रेड किंग यहीं पे एक्सरसाइज करवाया करूं था, आज भाई रोक के करवाता हूं थोड़ी बहुत। रोकू ग्रिप लगाऊंगा, ये तो भाई जब से पैर ही पैर पीट रहा। और गाइस मैंने टायर यहीं पे छुपा रखा कहीं को, कहां गया यूरा। ले भाई रोको आजा ग्रिप लगाइए, रोज तो भाई रेड किंग की करवाया करते, आज भाई रोक की करवाते हैं थोड़ी बहुत। कौन भाई ऐसा होता है, एक साइड से रेड किंग पकड़ता, एक साइड से रोक पकड़ता, फिर भाई दोनों आपस में खेल ले जाते, बट भाई ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकर भाग गया, गया। रोको 2 दिन से खेत में नहीं लाया था ना, इसलिए भाई उत्तरी क्या दिख गया सामने देख रहा। चलो भाई शुक्र है कुछ नहीं है। ओए रोको यहां आजा, सामने भाई मेन रोड है, अगर कोई डॉग वॉग दिख गया ना दिक्कत हो जाएगी। इसा भाई अलग लेकर चलता हूँ, रोको आजा टायर उठा कर लिया, आजा टायर उठा कर लिया, आजा टायर को तो लिया अपने, टायर को लेकर अपने आजा आगे चलेंगे जल्दी आ से लेकर। आ गया भाई आ गया, चल आगे लेकर चलेंगे सर। तो रोको कोई साथ ही नहीं मिल रहा इसके साथ खेलने को क्योंकि भाई टायर में अकेला ग्रिप नहीं लगाता। रोक कोई ना कोई चाहिए सा अपने साथ। रोको रेड किंग को लेगा हूँ, रेड किंग के साथ लगा लिए, बता लगा लगा के साले को बम से उड़ा दूंगा। रेड किंग के साथ टायर में तो ग्रिप लगाने का नहीं, आपस में ग्रिप लगा लगा के खेल लेंगे। ये उसके पैर में ग्रिप लगा होगा, वो इसकी गर्दन में ग्रिप लगा होगा, नु खेल लेंगे। काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे रेड किंग पावरफुल है या फिर रोक पावरफुल है, आज भाई दोनों का कंपेरिजन करके दिखाता हूँ। रोक भाई स्टार्टिंग में तो पीट देगा रेड किंग को, ये मान लो 5 या फिर 6 मिनट बढ़िया धो देगा, बट भाई 5-6 मिनट के बाद रेड किंग फिर से धो देगा। इसका रीजन ये है रोक के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है और गाइस ग्रिप लगाने की पावर भी बहुत तगड़ी है इसकी, इसलिए भाई शुरू में तो पीट देगा बट भाई रेड किंग के अंदर स्टैमिना ज्यादा हो गया और गाइस कुछ वो एबीपीटी हो गया, इसलिए बाद में फिर रेड किंग चल पड़ेगा इसके ऊपर, समझ रहे हो। इसलिए भाई मैं इन दोनों का सामना नहीं करवाता, अगर भाई इन दोनों की फाइट होगी ना गलती से भी कोई से ना कोई से मर के हटना पड़ेगा, दोनों पीछे हटने वाले में से नहीं है। रोक को भाई फिर मरना मंजूर है बट भाई पीछे नहीं हटने का, और गाइस ऐसा ही सेम टू सेम रेड किंग है, रेड किंग के अंदर भी पूरा गुस्सा है। ओए रोकू क्या दिख गया, कुछ नहीं कहा डरियो ना, बिग फैन यू के हुए पंखे हो गए बड़े बड़े, कूलर कौन सा। रोको देखो कैसा लुटी लुटी लगा रहा घास में, तो चाहे कितना ही लोट ले बस तू कहीं मिट्टी मिट्टी में ना लुट जाइए। अरे पड़ा पड़ा ग्रिप लगा रहा। रोक पूरे मजे काट रहा टायर के साथ, ये देखना भाई कैसा खेल रहा, ग्रिप भी लगा रहा और मस्ती भी कर रहा। सर्दियों में रोक की ट्रेनिंग करवाऊंगा, अगर भाई रोक के पैर ठीक हो गए इसकी भाई दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। जब भाई मैंने पहली बार इसकी ट्रेनिंग करवाई थी तब भाई इसकी बहुत तगड़ी मसल्स आ गई थी निकल गए, वो तो भाई है कि इसके थोड़े से पैरों में दिक्कत आ गई, इसलिए भाई हम इसकी रनिंग वनिंग नहीं करवाते, वरना भाई रनिंग के मामले में तो रेड किंग से भी तेज है, पुरानी वीडियो उठाकर देख लेना। एक बार भाई मैंने रोक का कॉम्पिटिशन करवाया था, रोटविलर वर्सेस जर्मन शेफर्ड और एक और थी कौन सी ब्रीड थी, तीनों को बहुत स्पीड से काट के भाग गया था। तो भाई बहुत देर घुमा फिरा लिया रोकू, अब भाई से घर पर लेकर चलता हूँ, फिर भाई रेड किंग को लेकर आऊंगा। रोकू कहाँ जा लिया, जल्दी आ, ओए जल्दी आ, बैठ जा अब भी तो बैठा। सामने एक पिटबुल का डॉग घूम रहा, किसका है वो, वैसे ही घूम रहा क्या, पहले से पकड़ लिया रोकू। ओ भाई हमारे पास ही आ गया, पागल वागल तो नहीं हो रहा है, क्या पता पागल वागल हो रहा हो, ओए क्या दिक्कत है भाई, वैसे भाई पागल तो मुझे लगता नहीं हो रहा, वरना भाई सीधा ही अटैक करता। रोक बिल्कुल टाइट पकड़ रखा वरना भाई दिक्कत हो जाएगी, बांध ले वहां बांध ले बांध ले, अटैक तो करवा ले लियो। ओए 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 कुछ नहीं करेगा डरा ना, डरे पे काट लेकर बिल्कुल टाइट पकड़ लिया, अटैक ना कर दिया बस तू। और गाइस थोड़ी कम एज है इसकी, बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ा हो गया, तो बिल्कुल ही रोक के पास आ गया। रोक नहीं, ओए रोक हट जा, नो नो हट जा, नहीं रोक, नो नो नो, ये भी तो नहीं पीछे हट रहा, एक बार बिल्कुल टाइट पकड़ ले बांध के, बिल्कुल ही रोक के पास जान लग रहा, हट जा ओए हट जा ना, रहने ओए ये पर ढीला छोड़ दे कुछ नहीं कहने का, रोक बिना बात में अटैक नहीं करता, कुछ भाई कम एज वैसे होगी इसकी, ये पर ढीला छोड़ दे लो, रोको नहीं अटैक ना करिए बस तू। इसे भाई कहीं को खेत वेत में लेकर चलता हूँ जिससे कि जीने की थोड़ी सी दोस्ती हो जा। और गाइस मुझे लग रहा इन दोनों की दोस्ती हो सके
इन्हें भाई आगे लेके चलता हूँ। कुछ भाई वाला डॉग बिल्कुल रोक के आगे पीछे ही घूम रहा, देखना भाई कैसे मस्ती कर रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इसे भाई घर पे भी नहीं ले जा सकता क्योंकि भाई घर पे काफी सारे डॉग्स हो गए और गाइस यहाँ पे भी नहीं छोड़ सकते इसे। वैसे तो भाई फ्रेंडली है इसका नेचर। इसे भाई रोको खुला छोड़ता हूँ थोड़ी बहुत देर, मस्ती कर लगा इसके साथ, अटैक वटैक तो करने का नहीं। थोड़ी सी कम एज होगी ना इसकी, इसलिए भाई रोक इसके साथ लड़ानी। यहाँ को आ जाओ, मेन रोड बना चला जाइए। रोको, दोस्ती होगी किसके साथ? अरे वाह, देखना भाई कैसे मस्ती कर रहा। इसे अपने साथ घर पे लेकर चलते हैं और भाई कुछ कर भी नहीं सकते, कल को देखेंगे भाई क्या करना इसका। तो गाइस अब एक बार सब बांधता हूँ और गाइस थोड़ा डर लग रहा, क्या पता भाई अटैक वटैक कर दे। वैसे तो भाई मुझे लगता नहीं, बट भाई फिर भी समझ रहे हो। लेकर चलता हूँ घर पे। इस महीने के अंदर मुझे दो डॉग मिल लिए, वो भी पिटबुल, जो भाई ऐसे ही छोड़ दिए गए। रोको, आजा बैठ, जल्दी बैठ। रोक के ऊपर बैठते ही इस वाले डॉग को देखो कैसा कर रहा है। रखो जा लिया, यो रहा पीछे, देख लो भाई एक आगे हो गया एक पीछे हो गया। ना ना अटैक नहीं कर लेगा, नु कह रहा अटैक कर दिया, करना होता खा जाता है बोलो। ये तो भाई रोकू देख रहा पीछे बैठ के, जो तो उतर का भाग गया। नु कह रहा रोकू नीचे उतर जा, रोक ऊपर बैठा ना बाइक पे, देखना मेरे पीछे से कैसा आ रहा भागा भागा। मेरे साथ नहीं आ रहा, रोक के साथ आ रहा, रोक बैठा ना बाइक पे, रोक के साथ दोस्ती होगी उसकी। तो गाइस आगे से लेकर घर पे और गाइस सारे के सारे देखो कैसे देख रहे ध्यान से। सिम्बा नु देख रहा कौन है सामने से, जूली एग्रेशन कर लगी। बाकी तो भाई कोई सभी एग्रेशन नहीं कर रहा, बट भाई सामने से जूली एग्रेशन कर रही। जूली ज्यादा ना भोका है, तेरी श्रेणी का है, इसे भी कोई छोड़ का जा लिया। वैसा मुझे लग नहीं रहा इसे कोई छोड़ का गया हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे खाते पीते घर का हो ना भाई, ज्यादा दिन से खेत वेत में था। बस भाई रेड किंग के साथ ना इसकी बज बज जावे। वैसे तो भाई आराम से मिल रहे, सिम्बा भी आ गया बीच में, रेड किंग आगे आगे चल रहा, यो भी आ गया इसी के साथ साथ। चलो भाई बढ़िया दोस्ती होगी, सामने एक डॉग भी आ गया, ये तो पहले ही होगा सरेंडर। गलती से खुला छूट गया बट भाई कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साथ साथ चल रहा। ये देखना भाई कैसे चल रहा, जैसे कि जी मैं नेपाल रखा हो। बस भाई चल गया इसका ओनर को और पता चल जा किसका डॉग है। और गाइस जो सामने से बुग्गी लग रही ना, ये भाई उन बुग्गी वालों का है, जो भाई बुग्गी पास उतर का भाग गया था वो लग रही भाई सामने बुग्गी। नाम क्या है? रैम्बो। चल ठीक है, बाय बाय रैम्बो, बाय बाय। मुझे लग ही रहा था किसी ने छोड़ा वोडा नहीं, क्योंकि भाई एक तो एग्रेसिव भी नहीं था ना भाई, उसका कहीं एलर्जी वैलर्जी हो रही थी कुछ, भाई खाते पीते घर का था, मोटा तगड़ा डॉग था। और गाइस रात होगी इसलिए भाई रेड किंग की थोड़ी बहुत रनिंग ही करवाते हैं, गोरा वार था अपनी बाइक लेकर है, इसकी बाइक के साथ ही करवा रहे। और गाइस रेड किंग के पीछे डॉग लग गए, ओए ओए ओए, बहुत प्यारी है के मान जा, साले को बम से उड़ा दूंगा। तो गाइस आके रेड किंग को लेकर घर पे, और गाइस आज के ब्लॉग के एंडिंग भी बेहेव करता हूँ। आज का भाई पूरा दिन ऐसा ही हो गया, सभी ने देख लिया भाई कैसे कैसे संकट आए हमारे ऊपर, बट भाई चलो कोई नहीं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।